अल्लाह के साथ दूसरे को माबूद मुकर्रर किया। देखिए कुरान में जहां भी गौर करेंगे ना, माबूद का तज़किरा है, रब का नहीं, रब नहीं माबूद का। इबादत अल्लाह के साथ किसी और की न की जाए, अल्लाह के अलावा किसी और की न की जाए। इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, इन लोगों ने रब के साथ अल्लाह के साथ दूसरों को माबूद मुकर्रर किया। लियकून लहुम इज्जा, क्या था सुनिए, मुझे बड़ा प्यारा सुना है, अल्फाज इतने डिफिकल्ट इतने मुश्किल है कि एक एक लफ्ज में एक एक पूरी बात मुकम्मल की गई है। लियकून लहुम इज्जा, इसलिए उन्होंने अल्लाह के साथ दूसरों को मुकर्रर किया ताकि उनके लिए आखिरत में इज्जत का बाग हो। क्या है? ताकि वो आखिरत में उनके लिए इज्जत का बाग हो। यानी आज औली अल्लाह की इबादत या औली अल्लाह के आगे जो सारे अहमाल हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि औली अल्लाह जब आखिर में जब पहुंचेंगे तो बड़ी शान से बोलेंगे, अल्लाह हम तो फला के मुरीद थे, हम तो फला के मानने वाले थे। इज्जत का बाग हो, इसलिए इन्होंने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक किया। आगे लगा दे कल्ला, हरगिज नहीं, इज्जत का बात नहीं है, दोनों जलील होने वाले, आबिद और माबूद दोनों दोनों जलील होने वाले हैं। और अगर आबिद सही है, हक पर है, तो वो भी बरात का इजहार करेगा, और माबूद अगर जिसकी इबादत की गई दुनिया में अल्लाह के अलावा वो हक पर है, वो भी बरात का इजहार करेगा, और जो हक पर नहीं है वो भी बरात का इजहार करेगा कि मैंने तुम्हें कभी कहा ही नहीं कि ऐसा काम करो, और अगर मैंने कहा भी था तो तुम्हारे पास तो हक था, कुरान था, अहादीस थी, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, तुम तो दुनिया में अकलमंद थे, हमारे पीछे क्यों चल रहे थे, पूरी तरह बरात का इजहार करेंगे। अल्लाह कहता है कल्ला, हरगिज नहीं, सयकफुरून बिइबादतिहिम, फौरन वो इनकी इबादत के मुनकिर हो जाएंगे, इनकी इबादत के का इनकार करने वाले होंगे कि तुम हमारी बात करते ही नहीं थे। वयकून अलैहिम जिद्दा, बिल्कुल वो उस वक्त उनके खिलाफ हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे, क्या तुम हमारे पीछे पड़े ही क्यों, तुम हमारे आगे सिजदा ही क्यों किया। अल्लाह हू अकबर, क्या बड़ी प्यारी आयत है। जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों से सिजदा करते हैं, ये औली अल्लाह इनसे कल कयामत में दुश्मनी करने वाले हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा हिसाब किताब ज्यादा लंबा हो गया, जब तक मैं सारा क्लियरिफिकेशन नहीं देता मैं आसानी से जन्नत में जाने वाला था, तुम्हारे जो रुका दिया अल्लाह ने, जब तक मैं क्लियरिफाई नहीं करता कयामत तक जितने लोगों ने उनके आगे सिद्धा किया हुआ, अल्लाह मैंने इससे नहीं कहा था, अल्लाह मैंने, जब तक हिसाब किताब कंप्लीट नहीं होता जन्नत में जाना दुश्वार हो रहा, तो सख्त दुश्मनी कर लेंगे। वो औली अल्लाह जो हकीकी औली अल्लाह है, और फिर भी उनकी दुनिया में उनके आगे सिजदा किया गया, मन्नत मुरादे मांगी गई, मदद मांगी गई, वो उस वक्त दुश्मनी करेंगे, सख्त दुश्मनी करेंगे कि तुम कैसे लोगों आज मेरा हिसाब किताब लंबा कर दिया, तुम लोगों ने दस जगह मेरे को क्लैरिफाई, क्योंकि अंबिया को भी क्लैरिफाई करना पड़ता है, जिस तरह फरिश्तों को क्लैरिफाई करना पड़ा ना, है ना, अपनी तरफ से खुलासा देना पड़ा अंबिया को, यहां तक ईसा अलैहि सलाम के ताल्लुक से भी सूरह आल इमरान में आता है, अल्लाह ताला ईसा अलैहि सलाम से कहेगा कि ईसा तुमने कहा था इन लोगों को कि अल्लाह को छोड़कर तुम्हारे आगे सिजदा करो इबादत करो, तो ईसा सलाम कहेंगे अल्लाह मैंने मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि तुझे छोड़कर हमारे आगे सिजदा करे, तू तो बहुत पाक है और हम तो तुझसे डरने वाले हैं, और तू अल्लाहुल गुयू है, अल्लाह तू जानता है अगर मैंने ऐसा कहा है, तो मैंने ऐसा नहीं कहा। ईसा अलैहि सलाम भी जल्दी से जन्नत नहीं जा पा रहे जब तक के खुलासा नहीं कर देते, क्लैरिफिकेशन नहीं दे देते। तो आप सोचिए जो औलिया अल्लाह जिनके आगे ये सारे करतूतें चल रही हैं, वो क्यों ना दुश्मनी करेंगे कि आसानी से जहाँ जन्नत में जाना था, जन्नत में जाने के लिए तो सबसे क्या कहते हैं बोनस और सबसे खुशी वाली बात ये होती है कि बगैर हिसाब किताब के जाओ। अब यहाँ हिसाब किताब तो यकीन ही है कि जिन जिन औलिया अल्लाह जो हकीकी औलिया अल्लाह अगर हैं उनके आगे सिजदा किया गया है, तो बगैर हिसाब किताब के जाने का तो कोई चांस नहीं दिख रहा है। जरूर उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने कहा था कि मेरे आगे सिजदे करो, मन्नतें मुरादे मांगो। इसी तरह और चंद आयतें हैं जो सूरे सबा ही की है, इंशाल्लाह हम इसको अगले दर्स में या फिर इस किस्म के मौजू पर हम इंशाल्लाह और तफसील रोशनी डालेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचाए और इस तरह के शिर्क के आलम बरदारों से अल्लाह ताला भी हमें दूर रखे और मशरिक और मगरिब का फासला हमके हमारे दरमियान कर दे। अल्लाह ताला हमें और कुरान मजीद में और अहादीस सहीहा और आखिर में जिंदगी से हमें अल्लाह ताला ऐसा लगाव पैदा कर कि हम इसमें डूब जाए और इसी में हमारी जान चली जाए। अल्लाह हमारा ओढ़ना और बिछोना अल्लाह के रसूल की बातों को कर दे कि हम इसको ही पढ़ते रहें, इसको ही समझते रहें, इस पर ही अमल करते रहें, तीसरी बात का हमारी जिंदगी में दखल ना हो, ताकि हम मर जाए और तेरे पास आए
तो अल्लाह तू हमसे राजी हो और तेरे फैसले पर हम राजी हो जाए। वो आपको दावा ना अनिल हमदुल्ला।